अगर आपको भी लगता है कि चीन भारत का दुश्मन है तो अब आपको अपनी राजनीतिक समझ में थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। अब चीन भारत का दुश्मन नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन बन चुका है। हैरत की बात है, जो सबक हमें 1962 में ही समझ जाना चाहिए था उसे समझते समझते हम 2020 तक आ गए। दरअसल किसी देश के दुश्मन होने का पता सिर्फ सरहद पर ही नहीं लगता बल्कि देश के अंदर भी लगता है। चीन ने ना केवल भारत के इलाके अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है बल्कि व्यापार के दम पर हम सब भारतीयों पर भी कब्जा कर रखा है। और इसका जवाब आप अपने आप से एक आसान सवाल पूछकर लगा सकते हैं कि आप 24 घंटों में चीन का कितना सामान इस्तेमाल करते हैं। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। हमेशा शांत रहने वाली भारत चीन सीमा पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 30 साल बाद ढोकलाम और गलवान घाटी जैसे खूनी संघर्ष विवाद खड़े हो गए। इसका सीधा जवाब है मेक इन इंडिया, जिसके तहत मोदी सरकार ने साल 2014 से ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। चीन इसी मेक इन इंडिया से चिढ़ गया है क्योंकि इससे चीन के भारत में बहुत बड़े व्यापार पर संकट खड़ा हो गया है। मगर चीन ने कोरोना फैलाकर और LAC पर सैन्य विवाद खड़ा करके मेक इन इंडिया को पंख लगा दिए हैं। इसी के तहत भारत न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि पहले से मौजूद भारत में चीनी कंपनियों से प्रोजेक्ट छीनने के साथ साथ भविष्य में आने वाली चीनी कंपनियों के भारत में घुसने के सभी रास्तों को बंद भी कर रहा है। फिर चाहे वह FDI PFI नियमों में बदलाव करना हो या फिर 100 से ज़्यादा चीनी ऐप्स को बैन करके डिजिटल स्ट्राइक करना हो, इसी रास्ते पर भारत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी में चीनी कंपनियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की कंपनियों को वाणिज्यिक दोहन के लिए कोयला खदान की जारी नीलामी में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक भले ही ऑटोमेटिक रूट के तहत नई गतिविधि में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश प्रस्तावों को केवल सरकार के रूट से ही स्वीकृत किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी भागीदारी की अनुमति से पहले ऐसे प्रस्तावों को सरकार जांचेगी, परखेगी, उसके बाद ही मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा उन कंपनियों के प्रस्तावों को भी सरकार के रूट से गुजरना होगा जिनके मालिक भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी देश में रहते हैं या वहां के नागरिक हैं। टेंडर दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि चीन और पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में निगमीकृत कोई संस्था सिर्फ सरकार के रूट से गुजरने के बाद ही रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर और विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर में निवेश कर सकती है। कोयला मंत्रालय ने स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया है ताकि निवेशक बोली से पहले अपनी पात्रता के बारे में जांच लें। ये कदम भारत के महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेक्टरों में चीनी कंपनियों के फैलाव को रोकने के लिए है। सुनने में शायद आपको भारत सरकार का ये फैसला बहुत छोटा लगे, मगर यही वह छोटे छोटे कदम हैं जिनसे चीन को बड़े बड़े झटके दिए जा सकते हैं और इन सरकारी प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों को मौका देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।